हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच 12th केमिस्ट्री के अंदर एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है आपका हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स। ये चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेसन है। 12th केमिस्ट्री के अंदर आपके पास टोटल 5 लेसन ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। उनमें से एक चैप्टर है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है आपका टोटल 7 नंबर यानी कि 7 मार्क्स का है। ठीक है, बात समझ में आती है। इस लेसन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे हेलो एल्केन्स के बारे में। सबसे पहले हेलो एल्केन्स की इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद इसकी बनाने की विधियां, इसके भौतिक गुण और फिर रासायनिक गुणों को हम पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे आपका हेलो एरिन्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स को और पढ़ते हैं कि व्हाट इज द हेलो एल्केन्स। तो चलिए देखते हैं हेलो एल्केन्स को। तो जो हेलो एल्केन्स है, इसकी जो डेफिनेशन है बेटा, इसके नाम के अंदर ही छिपी हुई है। वो किस तरह से छिपी हुई है, चलिए हम आपको बताते हैं। जरा थोड़ा इंग्लिश का आप यूज कीजिए, यहां पर आसान होगा तुम्हारे लिए समझना। ठीक है, हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब नाम के अंदर ही इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। वो किस तरीके से, यहां पर जो हेलो है उसका मतलब होता है आपका हैलोजन। अब ये हैलोजन क्या होते हैं, जो हैलोजन होते हैं ये आपके, इसे नॉर्मली पहली बात तो हम एक्स से लिख देते हैं और एक्स बराबर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये आपके हैलोजन होते हैं। और समूह 17 यानी कि ग्रुप 17 के ये तत्व है जिन्हें आप हैलोजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या है बेटा, एक एल्केन, क्या वर्ड आया, एल्केन। ठीक है, अब ये आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े होंगे 11th के अंदर भी और 10th के अंदर भी। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ये भी पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो एल्केन्स होता है ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये एल्केन जो है ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन HC। ठीक है, और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, जहां n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, अब किस तरीके से, हमने आपको ये बताया था अभी पहले भी, चलिए देख लेते हैं। अगर आपके पास एक कार्बन आता है तो आप यूज करेंगे वर्ड को मिथ को, यानी मैथ कह सकते हैं। दो होगा तो एथ, तीन होगा तो प्रोप, चार होगा तो ब्यूट, पांच होगा तो पेंट, छह होगा तो हेक्स, सात होगा तो हेप्ट, आठ होगा तो ओक्ट, नौ होगा तो नोन, और 10 कार्बन आए तो नाम लिखेंगे आप डेक से। ठीक है, क्या नाम लिखेंगे बेटा, डेक से। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब किस तरीके से, ये भी समझ लेते हैं। अगर आपको उसने बोला कि भैया मिथेन का जो फॉर्मूला है वो बताइए, ठीक है, किसका, मिथेन का, अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये एल्केन वाला ही फॉर्मूला लगना है ये वाला, तो नाम से पता लगेगा बेटा। नाम में देखे लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। अब एन इस बात को बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड होगा, कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल। ठीक है, अब यहां पर मिथ कितने कार्बन होंगे भाई, मिथ का मतलब कितने कार्बन है, एक, यानी कि इस वाले फॉर्मूले के अंदर अगर हम एक रख दें तो आपको किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, मिथेन का। चलिए इस फॉर्मूले में एक रख लेते हैं,
सी एन, एन की वैल्यू कितनी है मिथ के लिए वन, एच टू एन, एन की वैल्यू फिर से वन प्लस टू, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या हो गया सी एच फोर। और ये बात आपको पता है कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है चार, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है मिथेन के पास चार, तो चारों वैलेंसी पर एक एक हाइड्रोजन एटम ऐड कर देंगे तो आपके पास किसका फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा मिथेन का, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रोपेन की, प्रोपेन की बात करें तो नाम में क्या आ रहा है प्रोप, और प्रोप का मतलब बेटा कितने कार्बन से है यहां पर तीन से, इसका मतलब इधर एन बराबर कितना रखना पड़ेगा आपको तीन रखना पड़ेगा। अब जैसे ही इस फॉर्मूले में तीन रखेंगे तो सी थ्री और दो तीन छह और दो आठ, तो सी थ्री एच एट यहां पर प्रोपेन का फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रोपेन की स्ट्रक्चर बनाए कितने कार्बन है एक दो तीन, और नाम से पता लगा कि सभी कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा आपका सिंगल बॉन्ड होगा, तो आप क्या बना दोगे इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और हर कार्बन की जो वैलेंसी होती है संयोजकता होती है वो कितनी होती है आपकी चार, यहां पर एक संयोजकता है तो दो तीन चार, और तीनों वैलेंसी पर आप क्या जोड़ दीजिए एच। इसी तरीके से यहां पर कितनी है एक दो तीन चार, तो ये आपके पास हमने यहां पर हाइड्रोजन तीन यहां भी जोड़ दिए, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए तीन और तीन छह जोड़ दिए बेटा, कितने बच गए आपके दो। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है दो हो रही है, तो इसका मतलब दो हाइड्रोजन इसके पास भी होंगे, हम इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। तो CH3 क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको ये बेसिक टर्म पता लग जाए तो आप किसी भी एल्केन का फॉर्मूला बना सकते हो, इस चैप्टर के अंदर बहुत जरूरी है आपको ये बातें याद रखनी, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है पेंटेन का फॉर्मूला तो आप इस वाले फॉर्मूले में, क्योंकि ये एल्केन का फॉर्मूला है जनरल सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला है एल्केन के सूत्र बनाने का। आपके पास पेंटेन बनानी है तो आप यहां पर पांच रख दीजिए, हेक्सेन बनानी है तो छह रखिए, हेप्टेन बनानी है तो सात रख दीजिए, और ऑक्टेन बनानी है तो यहां पर आठ रख दीजिए। और पहचान कैसे होगी कि यही फॉर्मूला लगेगा, आपको लास्ट में क्या लिखा मिलेगा हर नाम के बाद एन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से, ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये सब आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्योंकि ये सब क्या है एल्केन्स है, ठीक है। और कौन से सूत्र को मानेंगे CnH2n+2 को मानेंगे, और ये जो हेलोजन होती हैं ये ग्रुप 17 के आपके एलिमेंट्स होते हैं, इनमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन होता है, एस्टाटीन को हम यूज नहीं करते बिकॉज इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, बात समझ में आती है इतनी, तो ये आपको जरूर याद रखना है, इतनी बात समझ में आई। चलिए उसके बाद क्या है देखते हैं, अभी समझते हैं बात को, अभी हमने हेलो एल्केन खत्म नहीं की, अभी हेलो एल्केन हमने भी बताया नहीं आपको, अभी हमने आपको नॉर्मली बताया कि जो हेलो एल्केन्स है उसके अंदर आपको एक हेलोजन एटम देखेगा और एक एल्केन मिलेगी, ठीक है, तभी जाके आपका क्या बनेगा पूरा हेलो एल्केन्स बनने वाली है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए और ये बताया कि जो एल्केन होती है उनमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है आपका सिंगल बॉन्ड होता है, कैसा बॉन्ड होता है बेटा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। चलिए कोई बात नहीं, अभी और समझा देंगे, हेलो एल्केन्स एकदम चुटकियों के अंदर आपके दिमाग में घुसा देंगे बेटा, नो टेंशन। चलिए देखते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जो हम एल्केन्स को नॉर्मली हम R सिंगल बॉन्ड H से लिखते हैं, किससे लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड H। अब पूछोगे ये R कहां से आ गया, ये R क्या है, ठीक है, ऐसा तो कोई एलिमेंट ही नहीं पढ़ा हमने, चलिए कोई बात नहीं समझाते हैं बेटा। ये R जो है ये आपका एल्किल समूह है, कौन सा समूह है भैया एल्किल समूह, ओहो सर 11th में तो पढ़े नहीं हम, तो फिर कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं हम है ना इधर। तो क्या होता है एल्किल समूह कि जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं तो जो उसका पार्ट शेष बचता है रिमेन बचता है उस पार्ट को आप एल्किल ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं एल्किल, और यानी कि नाम के बाद से एन हट जाएगा
और प्लस वाई एल जुड़ जाएगा। देखिए यहां पर ए हटा दिया और वाई एल को क्या कर दिया, एड कर दिया। ठीक है, जैसे आर सिंगल बॉन्ड एच एल्केन है, जैसे ही यहां से एच हट गया तो सिंगल बॉन्ड आर बचा, तो इस सिंगल बॉन्ड आर का मतलब है बेटा यहां पर एल्काइल ग्रुप, यानी एल्काइल नाम है इसका। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आपको? ठीक है, चलिए जैसे पहली एल्केन मिथेन होती है हमारी, क्या नाम है इसका बेटा, मिथेन। ठीक है, इंग्लिश में लिखोगे नाम तो आसानी पड़ेगी आपको। फिर यहां से अगर मैं एक एच को रिमूव कर दूं, एक एच को क्या कर दूं रिमूव, ये जो मैंने यहां पर ये लगाया है ना एक बॉन्ड है, ये माइनस नहीं है, यहां पर ये क्या है बॉन्ड, यानी एक वैलेंसी खाली है। किस तरीके से भाई, सी एच फोर है, सी एच फोर में कार्बन की चारों वैलेंसी पे क्या ऐड होते हैं, हाइड्रोजन एटम ऐड। जब यहां तुमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो एक वैलेंसी खाली हो गई ना, तो इसी वजह से सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे इसको, सी एच थ्री, और नाम के बाद से एन को माइनस कर देंगे और वाई एल जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, मैथिल या मिथाइल भी आप इसको बोल सकते हो। तो सी एच फोर से क्या बना, मिथेन से बनेगा मैथिल। ठीक है, इसी तरीके से नंबर दूसरी एल्केन लेंगे अगर सी टू एच सिक्स, जिसका नाम क्या होगा, इथेन। और अगर ये फॉर्मूले नहीं पता ना तो आपको एथिल भी बना सकते हैं आप, आपको रटने पड़ेंगे कि सी एच थ्री मैथिल है, सी टू एच फाइव एथिल है। लेकिन अगर आपको एल्केन के फॉर्मूले बनाने आ गए तो आप किसी भी एल्किल ग्रुप को वहां पर बना सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे इथेन है, इथेन का फॉर्मूला सी टू एच सिक्स कैसे आया, वो भी इसी फॉर्मूले से आया बेटा, सी एन एच टू एन प्लस टू सी, यहां पर एन बराबर टू रख दीजिए तो फॉर्मूला सी टू एच सिक्स बन के आ जाएगा। और दो का मतलब क्या होता है, एथ, और सिंगल बॉन्ड का मतलब एन। ठीक है, अब जब यहां से आप एक एच को रिमूव कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, सी टू एच फाइव, तो नाम क्या हो जाएगा, एन हट जाएगा नाम के बाद, इल जुड़ जाएगा, तो ये एथिल हो जाएगा बेटा। इसी तरीके से ब्यूटेन सी फोर एच टेन, एन बराबर चार रखेंगे तो नाम क्या होगा, ब्यूटेन, और जैसे ही यहां से एक एच रिमूव करोगे तो सी फोर एच नाइन, एक वैलेंसी खाली, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटिल या ब्यूटाइल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। तो यहां पर जो R है ये आपके क्या है बेटा, एल्किल समूह है। ठीक है, अब वो मैथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिन, नोलिल और डेकाइल। ठीक है, बात समझ में आती है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई, तो देखो हमने आपको एल्केन्स के बारे में बताया, उसके बाद एल्किल समूह के बारे में बताया। ठीक है, भैया यूज होगा, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। चलिए अब देख लेते हैं, तो हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या है, अब ये देखते हैं। चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए समझते हैं हेलो एल्केन की डेफिनेशन को। अब R सिंगल बॉन्ड H से हम क्या लिख रहे थे, एल्केन को, और जब मैं इस एल्केन की क्रिया X2, अब ये X2 क्या है भैया, X2 बराबर है कोई भी हेलोजन, मैंने आपको बताया था कि जो हेलोजन है उसे X से लिखेंगे, और जो हेलोजन होती है ये डायटोमिक होती है, यानी द्वि परमाणु होती है, तो इसमें आपका F2, ठीक है, Cl2, Br2 और I2 हो सकते हैं। तो किसी एल्केन में जब हाइड्रोजन को हटाकर, किसी एल्केन में जब हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन को जोड़ देते हैं तो आपका हेलो एल्केन बनता है। ठीक है, ये देखिए किस तरीके से यहां पर क्या हुआ, इस H को एक एक्स ले गया, यानी बाहर क्या हो गया आपका एच एक्स, अब एक एक्स बचा, तो जहां से H हटा था, यहां से H हटा, उसकी जगह पर कौन आकर बैठ गया, X बैठ गया, तो इसी का नाम होता है बेटा आपका हेलो, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अगर आप हेलोजन का नाम पहले लिख रहे हैं तो नाम होगा हेलो एल्केन। अगर आप इसका एक नाम और भी होता है बेटा, आर का मतलब भी क्या बताया था आपको, एल्किल, बताया था नहीं बताया था, और जब हेलोजन लास्ट में जुड़े यानी बाद में इसका नाम बोले तो बाद में इसका नाम हो जाता है एल्किल,
हैलाइड, क्या नाम हो जाता है, एल्किल हैलाइड। तो हेलो एल्केन की डेफिनेशन समझे, फिर मैं आपको हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड के बारे में बताऊंगा आप किस तरह नाम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होने पर जो नया यौगिक बनता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं, उसे हेलो एल्केन कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इस डेफिनेशन को। यहां पर एच है, यहां पर एच है, यहां पर एच है और यहां पर एच है, और नाम क्या है इसका, मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है और चार एच सी एच फोर है। आपने इसकी रिएक्शन करा दी ब्रोमीन से। अब इस ब्रोमीन ने क्या किया, क्योंकि ये देखो, हां एक बात और बता देता हूं, ये मीथेन इथेन ब्रोपेन यानी कि जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जितने भी एल्केन्स है, ये सभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। प्रतिस्थापन का मतलब कि ये ब्रोमीन यहां तब तक नहीं जुड़ सकता जब तक कि यहां से एक एच ना हट जाए। ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्रोमीन क्या करेगा, इस एच को अपने साथ लेकर चला जाएगा, एच बी आर की फॉर्म में बाहर निकल गया एच, और एक बी आर यहां पर जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये यहां पर सी एच थ्री बना और क्या जुड़ गया बेटा, बी आर। तो इस पूरे को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो कि सी एच थ्री बी आर, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक तो नाम, अगर आपको बी आर का नाम पहले लिखना है तो बी आर का नाम हो जाएगा बेटा ब्रोम। ठीक है, अब एल्केन है, एल का मतलब कार्बन से, यहां पर कितने कार्बन है, एक, तो एक का मतलब मिथ, और सिंगल बॉन्ड है ना, तो नाम क्या जोड़ दोगे, एक, तो एक नाम तो इसका क्या हो गया, ब्रोमो मिथेन। और या दूसरा नाम क्या हो सकता है, दूसरा नाम होगा इसके हिसाब से एल्किल। अब एल्किल ग्रुप कौन सा है, यहां पर सी एच थ्री का नाम क्या होता है, मैथिल। ठीक है, अगर हैलोजन का नाम बाद में लिख रहे हैं जैसे ब्रोमीन है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, हैलाइड यानी कि ब्रोमाइड। तो एक नाम क्या हो गया इसका, मैथिल ब्रोमाइड, और एक नाम क्या हो गया, ब्रोमो मिथेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए आपको एक बात और समझा देता हूं भाई, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। ठीक है, अगर आप इनके नाम यूज करते हो प्रीफिक्स की फॉर्म में, प्रीफिक्स यानी कि अगर आप इसे पूर्व लग्न के रूप में यूज करते हो, पहले लिखते हो नाम को, ठीक है, किसके रूप में यूज करते हो, पूर्व लग्न के रूप में, तो आप एफ को लिखोगे बेटा फ्लोरो, एफ को क्या लिखोगे, फ्लोरो, सीएल को लिखोगे आप क्लोरो, बीआर को लिखोगे आप ब्रोमो, और आई को लिखोगे आप आइडो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर बीआर की जगह आई आ जाता तो नाम होता आइडो मिथेन, सीएल आ जाता तो बेटा क्लोरो मिथेन, एफ आ जाता तो फ्लोरो मिथेन। बात समझ में आती है। चलिए इसी तरीके से अगर आप सफिक्स के रूप में यूज करते हो इन चीजों को, सफिक्स यानी जो बाद में लिखा जाने वाला, जैसे फ्लोरीन, तो इसके एफ के लिए बेटा नाम आएगा यहां पर फ्लोराइड। ठीक है, अगर सीएल है तो नाम आएगा क्लोराइड, यानी नाम के बाद क्या जुड़ेगा, आइड जुड़ जाएगा। बीआर को यूज करोगे तो नाम क्या आएगा बेटा, ब्रोमाइड, और आई आएगा तो नाम होएगा आयोडाइड, आयोडाइड अगर बाद में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखें, अगर यहां पर सीएल होता तो मैथिल क्लोराइड, ठीक है, बाद में यूज कर रहे हैं जब हैलोजन का नाम, तो उसमें हमें ये टर्म यूज करनी है। अगर पहले यूज कर रहे हैं तो आपको टर्म ये वाली यूज करनी है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, अगर यहां पर एफ होता तो मैथिल फ्लोराइड, आई होता मैथिल आयोडाइड। बात समझ में आती है। तो इसी वजह से हेलो एल्केन्स को आप एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस बात को और ध्यान रखना कि किसी हैलोजन परमाणु द्वारा एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन होने के बाद जो नया यौगिक बनता है उसे आप हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। इतनी बात समझ में आती है। अगर यहां पर इथेन होता तो नाम बनता ब्रोमो इथेन,
या फिर एथिल ब्रोमाइड। बात समझ में आती है इतनी? ठीक है, तो ये आपके क्या थे, हेलो एल्केन की डेफिनेशन थी। आपको समझ में आई बात इतनी? ठीक है, ये फिर ध्यान रखना आप कि अगर आप किसी भी हेलोजन का नाम पहले यूज करते हो, प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज करते हो, तो एफ को फ्लोरो लिखोगे, सीएल को क्लोरो, बीआर को ब्रोमो, आई को आइडो। अगर सफिक्स यानी पस लगने यानी बाद में लिखते हो तो आप एफ का फ्लोराइड बनाओगे, क्लोरीन से क्लोराइड बनाओगे, ब्रोमीन से ब्रोमाइड बनाओगे और आई से आयोडाइड बनाओगे। इतनी बात आपको समझ में आती है? तो किसी भी हेलो एल्केन को आप एल्केहाइड भी बोलते हो। ठीक है, बात समझ में आई? अगर किसी कार्बन के अंदर, किसी हेलो एल्केन के अंदर 5 कार्बन है तो उसका नाम आपका हेलो पेंटेन भी हो सकता है या आपका पेंटाइल हैलाइड भी हो सकता है, क्योंकि 5 है तो पेंटेन से बनेगा पेंटाइल। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? इसी तरीके से अगर किसी भी हेलो एल्केन के अंदर 4 कार्बन है, समझ लो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन से बनेगा बेटा आपका ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, और क्योंकि ब्यूटेन है तो एल्किल ग्रुप कौन सा बनेगा उससे, ब्यूटिल, तो ब्यूटिल ब्रोमाइड। इस तरीके से उसके नाम को हमें डिराइव करना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है? चलिए देखते हैं फिर, अब समझते हैं हेलो एल्केन्स के वर्गीकरण को। हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण बहुत ही अच्छा है और बहुत सिंपल है, अगर आपको बेसिक बेसिक बातें का पता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो देखते हैं। तो इसके हमारी आई बेटा कि हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन करना है हमें, का वर्गीकरण। अब ये जो हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन है, ये हम अलग अलग आधार पर कर सकते हैं, जिनमें से हमारे पास नंबर ए है, हमारे पास नंबर ए है कार्बन, कार्बन परमाणु से जुड़े, से जुड़े हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो कार्बन परमाणुओं से जुड़े हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किस तरह करेंगे? तो जब कोई हैलोजन परमाणु किसी कार्बन परमाणु से जुड़ेगा तो उसके आधार पर वर्गीकरण किस तरीके से होगा? ठीक है, यही चीज हमें क्या करनी है, यहां पर समझनी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किस तरीके से समझते हैं इस चीज को। तो इसके आधार पर जो हमारी हेलो एल्केन होगी, या हेलो एल्केन को एक नाम दिया था एल्किल हैलाइड, वे किस टाइप से वर्गीकृत होंगी? नंबर एक आपका होगा मोनो हैलाइड, मोनो हैलाइड। ठीक है, नंबर दो होगा आपका डाई हैलाइड, नंबर दो क्या होगा, डाई हैलाइड। नंबर तीन आपका ट्राई हैलाइड, नंबर चार आपका टेट्रा हैलाइड। ठीक है, ये है मोनो का मतलब है कि जब किसी कार्बन परमाणु से एक हैलोजन परमाणु, मोनो का मतलब एक से है, डाई से मतलब दो से है, ट्राई का मतलब तीन से है और टेट्रा का मतलब चार से है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना, और हैलाइड से मतलब है हैलोजन परमाणु से। तो जब किसी कार्बन परमाणु से केवल एक हैलोजन, एक्स का मतलब हमने आपको बताया था, केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा तो उसे आप मोनो हैलाइड बोलोगे। ठीक है, जिस जैसे इस तरीके से, ठीक है, यहां पर आपने एक ब्रोमीन जोड़ दिया, बाकी सब एच है, यानी केवल एक हैलोजन परमाणु अगर जुड़ा होगा तो आप उसे मोनो हैलाइड बोलोगे। जैसे इस साइक्लोहेक्सेन के
रिंग में क्या जुड़ा है, केवल एक हैलोजन जुड़ा है, ठीक है। अगर ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर क्या जोड़ दिया आपने आई, तो केवल एक हैलोजन जुड़ा है। तो ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब आपके मोनोहैलाइड्स के क्या है बेटा, एग्जाम्पल है। तो जब किसी कार्बन परमाणु से केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा तो उसे हम बोलेंगे बेटा आपका मोनोहैलाइड, ठीक है। अगर कंडीशन बन रही है कुछ इस तरीके से कि दो हैलोजन परमाणु जुड़े हैं आपके, इस तरह समझिए CH3CH और एक ही कार्बन से अगर आपके दो हैलोजन यानी जैसे दो क्लोरीन जोड़ दिए हमने यहां पर, तो कौन सा हैलाइड हो गया, डाई हैलाइड हो गया बेटा, कौन सा हैलाइड हो गया, डाई। और उसके साथ साथ इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यदि एक ही कार्बन पर दो हैलोजन परमाणु जुड़े हो तो इस चीज को आप जैम डाई हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हो बेटा, जैमिनल, जैमिनल भी कह देते हैं इसको, जैम डाई हैलाइड बोला जाता है। और अगर दो कार्बन परमाणु एक दूसरे के पड़ोसी कार्बन है, बिल्कुल देखो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और दोनों पड़ोसी कार्बन पर कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा है, अब यहां पर देखिए आप कितने हैलोजन हैं, यहां पर भी दो हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक डाई हैलाइड का उदाहरण है। तो बेटा इस पर जिस जब इसमें तो क्या था कि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर जुड़ रहे थे, तो नाम था जैम डाई हैलाइड, क्योंकि यहां पर सीएल है तो आप इसकी जगह पर क्लोराइड भी लिख सकते हो, ठीक है, बात समझ में आती है, ये बात है। अब यहां पर क्या हो रहा है, दो हैलोजन जुड़ रहे हैं तो डाई हैलाइड तो है, लेकिन दोनों हैलोजन जो है बिल्कुल पड़ोसी पड़ोसी एडजेसेंट कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो यह कंडीशन होती है बेटा विस या वाइसिनल डाई हैलाइड की। इतनी बात आपको समझ में आती है, तो ये आपके किसके एग्जाम्पल थे, डाई हैलाइड्स के, ठीक है। इस तरीके समझ सकते हैं, अगर कोई बेंजीन रिंग है और उस पर आपके दो हैलोजन जुड़े हो तो वो कौन सा होगा, आपका डाई हैलाइड में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ट्राई हैलाइड, अगर कहीं पर आपके तीन हैलोजन जुड़े हो, जैसे CHCl3 इसका नाम होता है बेटा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, समझ में आती है बात, CHI3 आयोडोफॉर्म। तो जहां पर किसी कार्बन परमाणु से तीन हैलोजन परमाणु जुड़े हो तो उसे आप बोलते हो ट्राई हैलाइड। इतनी बात आपको समझ में आती है, ठीक है भैया, आती है ना इतनी बात समझ में, इस तरीके से, ठीक है, आती है बात समझ में। ये आपका क्या हो गया बेटा, एक ट्राई हैलाइड हो गए। इसी तरीके से टेट्रा का मतलब जब किसी कार्बन से चार हैलोजन जुड़े हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी नाम होता है इसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो चार जुड़ रहे होंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, आपका टेट्रा हैलाइड हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आती है, तो ये जैम और वाइसिनल का आपको ध्यान रखना है, बाकी नॉर्मल था सब कुछ, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये था हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है, समझ में आती है। देखिए यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अब समझते हैं संकरण के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, नंबर बी है जो, वो है आपका संकरण के आधार पर। अब संकरण आपने 11th के अंदर पता नहीं पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, चलिए हम बता देते हैं। संकरण जो है आप नॉर्मली यहां पर पढ़ोगे sp sp2 sp3, जिनमें से सबसे इंपोर्टेंट होता है आपका sp2 व sp, ठीक है, इधर जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और आपको संकरण निकालने भी आने चाहिए, संकरण निकालने भी आने चाहिए आपके पास। अगर आपको संकरण निकालने नहीं आते तो यह भी बड़ा दिक्कत का विषय इधर हो सकता है, ठीक है। चलिए तो चलिए समझते हैं किसके आधार पर है बेटा नंबर बी। नंबर बी है संकरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, संकरण के आधार पर। अब संकरण के आधार पर किस तरह से वर्गीकृत करेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं पहले इसको।
पहले क्या मतलब हुआ बेटा, जब अगर एक सिंगल बोन्ड है, यहां पर एक सिंगल बोन्ड है तो वहां पर होता है एक सिग्मा बोन्ड, अगर डबल बोन्ड है तो वहां पर होता है एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बोन्ड है तो वहां पर भी एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। यानी हर जगह पर चाहे डबल हो सिंगल हो या ट्रिपल हो, सिग्मा बोन्ड तो एक ही रहता है। अगर आप कहीं पर सिग्मा बोन्ड काउंट कर रहे हैं और टोटल वहां पर चार सिग्मा बोन्ड काउंट होते हैं तो आपका जो संकरण है वो sp3 होगा। अगर तीन सिग्मा बोन्ड काउंट होते हैं तो संकरण आपका sp2 होगा, और अगर दो सिग्मा बोन्ड काउंट होते हैं तो आपका संकरण होगा sp। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? इतनी बात समझ में आती है। उसी के आधार पर, यानी संकरण के आधार पर ही नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे यहां पर। sp3 C सिंगल बोन्ड X आबंध युक्त यौगिक, यानी कि अब हम केवल उनकी बात करेंगे कि जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा होगा और वो कार्बन परमाणु sp3 संकरण युक्त होना चाहिए। इसके अंदर केवल हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऐसे हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड जिसमें कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हो और वो कार्बन परमाणु sp3 संकरित हो, ठीक है? इतनी बात समझ में आती है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। उनमें से आपके पास नंबर एक जो है वो आपके पास है एल्किल हैलाइड, सबसे पहला यही है। अब इसकी पहचान क्या होती है, डेफिनेशन जो है हम इसकी पहचान से ही बता देंगे, वही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। किस तरीके से समझते हैं, चलिए। इसकी डेफिनेशन बेटा इस तरीके से होगी कि जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा है अगर वही कार्बन क्या हो, sp3 हो, ठीक है? यानी कि इस तरह के हैलाइड्स के अंदर जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा होता है वही कार्बन परमाणु आपका sp3 संकरित होता है। या ये डेफिनेशन ये बोल सकते हो कि इस तरह के एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु डायरेक्ट कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वो भी एलिफेटिक चैन में, खुली श्रृंखला वाले कार्बन की चैन में, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इस तरह के एल्किल हैलाइड में जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा होता है वो कार्बन sp3 संकरित होता है, या इस प्रकार के हैलाइड में हैलोजन परमाणु सीधा कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है एलिफेटिक कार्बनिक यौगिकों के अंदर, ठीक है? ये वास्तव में मैं देखकर इस तरीके से यहां पर मैंने एच जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका CH3X। तो ये आपका एक एल्किल, ये एल्किल ग्रुप है और ये एक्स है तो हैलाइड है। हमें कैसे पता लगेगा कि यहां पर जो है इस कार्बन पर sp3 संकरण है, तो आप सिग्मा बोन्ड काउंट कीजिए। एक सिंगल बोन्ड है तो इसका मतलब बेटा कितने सिग्मा हुए, यहां पर एक सिग्मा, यहां पर भी कितने सिग्मा, एक सिग्मा, यहां पर भी एक सिग्मा हुआ, एक सिंगल बोन्ड है, और यहां पर भी टोटल सिग्मा कितने हुए, चार। तो इसका मतलब ये बेटा कौन सा है, sp3 संकरित है। तो इसी वजह से कहते हैं कि एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन क्या बनेगी कि इस तरह के हैलाइड के अंदर या इस तरह के यौगिकों के अंदर जो हैलोजन परमाणु होता है वो सीधा जुड़ा होता है sp3 संकरित युक्त कार्बन परमाणु से, ठीक है? देखो सीधा जुड़ रहा है, और ये कार्बन परमाणु जिससे हैलोजन जुड़ा है वो कैसा है, sp3। तो ये आपके एल्किल हैलाइड की क्या होती है, पहचान होती है। लेकिन जो ये एल्किल हैलाइड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहां पर, ये जो आपके एल्किल हैलाइड्स होते हैं ये आपके नॉर्मली जो है ये आपके नॉर्मली चार प्रकार के होने वाले हैं। किस तरीके से होने वाले हैं, चार प्रकार की जरा समझते हैं कि अगर जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हो और वो कार्बन परमाणु अपने चारों तरफ तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा है, देखो यहां पर, यानी कि जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा है अगर वो कार्बन परमाणु तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, संयुक्ता पूरी करने के लिए एच जोड़ना पड़ेगा, ठीक है?
तो देखें यहां पर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, ये कार्बन परमाणु एक दो तीन से जुड़ा है, तो इसका मतलब बेटा ये होगा आपका 3 डिग्री, यानी कि तृतीयक, तृतीयक यानी आपका टर्सरी, टर्सरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड होगा, यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा यहां पर ये। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। अगर जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा है, अगर वो कार्बन परमाणु दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, तो ये कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री, यानी कि आपका द्वितीयक एल्किल हैलाइड, यानी कि आपका सेकेंडरी। अब मुझे आप बोलोगे एक बात कि सर यहां पर तो एक दो तीन कार्बन जुड़ रहा है। नहीं, आपको केवल वही कार्बन परमाणु देखने हैं जो कार्बन परमाणु पड़ोसी है, यानी बिल्कुल बराबर बराबर है। देखिए यहां पर इस कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा है? हेलोजन। और इस कार्बन परमाणु के पड़ोसी कितने हैं? एक और एक दो। इससे आगे चल लाख कार्बन जुड़ जाए उस बात से मतलब नहीं है, हमें देखना है कि पड़ोसी कितने हैं। तो इसलिए कौन सा हुआ बेटा यहां पर? ये 2 डिग्री हुआ। कौन सा डिग्री हुआ? 2 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इसी तरीके से जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा हो, अगर वो कार्बन परमाणु केवल और केवल एक कार्बन परमाणु से आगे जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, यानी कि आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो जाएगा, यानी कि आपका प्राइमरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अगर जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा है और वो किसी भी कार्बन परमाणु से आगे ना जुड़ा हो, तो ये देखो सी एच थ्री का नाम क्या बताया था? मैथिल। तो ये आपका हो जाएगा मैथिल हैलाइड प्रकार का। किस प्रकार का हो जाएगा? मैथिल हैलाइड प्रकार का। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं, ये आपके 4 टाइप के हैं, एक 3 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 1 डिग्री और एक मैथिल। बात समझ में आती है। जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हो, अगर वो कार्बन परमाणु तीन आगे कार्बन परमाणु जुड़ा हो, अपने पड़ोसी कार्बन जो हो उसके तीन हो, तो वो 3 डिग्री होगा। अगर पड़ोसी कार्बन दो है तो 2 डिग्री, एक है तो 1 डिग्री और एक भी नहीं है तो मैथिल हैलाइड में गिना जाता है। और इन सभी कार्बन में जिससे हैलोजन जुड़ा है, वे सभी sp3 संकृत होते हैं, यानी sp3 संकरण उन पर पाया जाता है। क्योंकि यहां पर आप चेक कर लीजिए सबके पास कितने बॉन्ड है, यहां पर कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा 4 सिग्मा 4 सिग्मा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो sp3 संकरण के आधार पर हमारा पहला यौगिक हुआ एल्किल हैलाइड। इसे आप जरूर ध्यान रखना कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री किस तरह के होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारा नंबर बी है, यानी कि नंबर दो जो है, हमारे पास जो नंबर दो है वो है आपका एलाइलिक हैलाइड। कौन सा है? आपका एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए देखते हैं। नंबर दो है आपका एलाइलिक हैलाइड। नंबर दो आपका क्या आया बेटा? एलाइलिक हैलाइड। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान यह है कि जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा होता है, जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा होता है, वो कार्बन परमाणु आगे द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ, दोबारा सुन लो कि जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा हो, अगर वो कार्बन परमाणु आगे द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो वो कंडीशन आपकी एलाइलिक हैलाइड की कहलाएगी। बात समझ में आती है? चल देख लीजिए यहां पर, भाई इससे हेलोजन जुड़ा है और ये कार्बन आगे डबल बॉन्डेड कार्बन से आगे जुड़ा हुआ है। कितनी संयुक्तता हो रही है यहां पर? दो। तो एक एच यहां पर जोड़ दीजिए, एक एच यहां, कितनी हो गई? चार। यहां पर कितनी हो रही है? दो संयुक्तता एरी, एक एरी, तो 3 हो गई। एक एच यहां पर, यहां पर कितनी हो रही है? दो। तो एक एच यहां पर और एक एच यहां पर। तो ये कंडीशन किसकी होगी? आपकी एलाइलिक हैलाइड की हो जाएगी।
एलाइलिक हैलाइड की हो जाएगी, ठीक है। और संकरण देख लीजिए, चाहे आप यहां पर देखिए कितने सिग्मा होंगे, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, तो इसका मतलब संकरण बेटा आपका sp3 हो जाएगा। कौन सा संकरण हो जाएगा आपका? sp3, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए, बोर्ड के अंदर पूछा गया था एक बार ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया इसके साथ, हैलोजन। तो हर कॉर्नर बेटा कार्बन होता है, स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगा आपको। ये भी एक एलाइलिक हैलाइड है, किस तरह पता लगा देखिए, यहां पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पांच, छह, यानी टोटल छह है। तो इस तरीके से आप इसका षटभुज यानी हेक्सागन बना दीजिए, ये देखिए, और यहां पर आपने क्या जोड़ दिया, हैलोजन। तो देखो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, यहां पर देखिए इस कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, ये मैंने यहां पर लगा दिया, देखो इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस वन टू थ्री, तो दूसरे और तीसरे कार्बन, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड है। तो देखिए जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन परमाणु आगे डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, नहीं है, देखिए बिल्कुल सेम ऐसी कंडीशन नहीं है। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे डबल बॉन्डेड से, वो कार्बन आगे डबल बॉन्डेड से, तो किसकी कंडीशन हुई आपकी, एलाइलिक हैलाइड की तो कंडीशन हुई बेटा, ठीक है। और संकरण भी दिखाऊंगा मैं आपको, पहले इसकी संयुक्तता पूरी कीजिए, एक दो तीन, कितने एच आएंगे, एक, इधर कितने आएंगे, दो और एक तीन, एच एक आएगा, इधर कितने आ जाएंगे, दो और एक तीन, यानी एच एक इधर भी, इधर बेटा आपके दो दो एच आ जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, ये आपके दो दो एच यहां पर आ जाएंगे। और यहां पर आप संकरण चेक कीजिए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और चार सिग्मा, तो संकरण बेटा कौन सा हो गया आपका, sp3। तो ये भी आपकी एक एलाइलिक हैलाइड ही है, क्योंकि इसमें जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन परमाणु आगे डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु जुड़ा है, पहली बात तो ये, और नंबर दो वो कार्बन परमाणु आपका कैसा है, sp3 संकरण युक्त है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा आपका नंबर तीन, बेंजाइलिक हैलाइड को, किसके हैलाइड को बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड को, ठीक है। चलिए एक मिनट समझिए, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है ये भी बताते हैं आपको, बेंजाइलिक हैलाइड को नंबर तीन, ठीक है, समझते हैं, चलो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, तो चलिए देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड को। अब ये बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हो, जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हो, अगर वो कार्बन परमाणु डायरेक्ट जुड़ा हो किससे, बेंजीन रिंग से, इस तरीके से, ठीक है। तो बेंजाइलिक नाम में पता है कि बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हो, अगर हैलाइड जुड़ा हो, यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है अगर वो कार्बन परमाणु सीधा जुड़ा हो किससे, बेंजीन रिंग से, तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। कितनी बैलेंसी है, एक और एक दो, तीन और एक चार, ठीक है। अब यहां पर आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, यहां पर एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और चार सिग्मा, यानी आपका संकरण कौन सा हुआ, यहां पर भी sp3 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आती है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि ये क्या है, एक बेंजाइलिक हैलाइड है, क्योंकि यहां पर संकरण भी कौन सा है बेटा, कार्बन पर sp3, और जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन परमाणु आपका सीधा जुड़ा है किससे, बेंजीन रिंग से, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आती है, इसलिए से बोला बेटा आपने क्या, बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये आपके थे sp3 सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध युक्त यौगिकों का वर्गीकरण। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे sp2 वाले। अब sp2 वालों में कौन कौन से आते हैं, चलिए ये भी समझ लेते हैं। sp2 में आपका दो ही है बेटा, एक विनाइलिक और एक एरिल, ठीक है, विनाइलिक और एक आपका एरिल, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं इन चीजों को भी, विनाइलिक को भी और एरिल को भी। तो अब की बार आपका जो संकरण हो गया वो sp2 हो गया, ये आपका आ गया सेकंड नंबर का। तो इनमें आपका जो है नंबर ए है आपका, नंबर ए कह लीजिए, ए तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, नंबर ए विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड,
विनाइलिकर हैलाइड, ठीक है। अब विनाइलिक हैलाइड के बारे में किस तरह से है बात, कि जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हो अगर वो कार्बन परमाणु ही द्विबंध युक्त होता है तो वो कंडीशन आपकी विनाइलिक में आती है, यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वही कार्बन परमाणु अगर कैसा हो, द्विबंध युक्त हो, और उस कार्बन परमाणु पर जिस पर हैलोजन जुड़ा है sp2 संकरण हो, तो वो कंडीशन कौन सी आ जाएगी आपकी, विनाइलिक की। तो देखिए यहां पर कितनी वैलेंसी हो रही है, 2 और 1 3 और 1 4 h। इधर देखिए यहां पर 2 संयुक्ता है तो 1 इधर h 1 इधर h, ठीक है। चलिए समझते हैं, अब आपको कैसे पता लगेगा कि यहां पर sp2 संकरण है। हमने आपको बताया था अगर 3 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो संकरण कौन सा हो जाएगा आपका, sp2। तो देखिए काउंट कीजिए, डबल बॉन्ड हो तब भी वहां कितने सिग्मा थे, 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में तो 1 सिग्मा है ही, इधर भी 1 सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 टोटल कितने सिग्मा है, 3, और 3 के लिए वहां पर लिखवा रखा है संकरण कौन सा होगा, sp2। तो विनाइलिक की पहचान करने के लिए आपको एलाइलिक पता होना चाहिए, उसमें क्या था कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा था वो कार्बन परमाणु आगे द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु जुड़ा था, लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर बेटा जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन परमाणु ही आपका क्या होता है, द्विबंध युक्त होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसी तरीके से इसकी एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, यहां पर देखिए ये देखिए हैलोजन जोड़ा और यही कार्बन परमाणु आगे क्या है, द्विबंध युक्त है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं इसकी, वही वाली बात आएगी जो एलाइलिक में बनवाई थी अभी, 6 कार्बन रहने वाले हैं बेटा, ठीक है। इस तरीके से 6 कार्बन है और यहां पर पहले कार्बन पर आपने क्या जोड़ा हुआ है, एक्स, और ये कार्बन परमाणु ही आपका कैसा है, डबल बॉन्डेड है, ठीक है। अब देख लीजिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2, और बाकी सब जगह आप h को जोड़कर क्या कर सकते हो, संयोजकता को पूरी कर सकते हो। तो ये कंडीशन किसकी होती है आपकी, विनाइलिक की। और संकरण कौन सा होता है इसमें, sp2 होता है, जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आती है। चलिए अब देखिएगा नंबर 2, अब देख लीजिए नंबर 2 को। चलो देखते हैं, नंबर 2 है आपका एरिल हैलाइड, और इन्हें आप हेलो एरिन्स भी बोलते हो बेटा, यही आपकी क्या होती हैं, हेलो एरिन्स, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है कि जो हैलोजन है अगर वो हैलोजन सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो वो आपकी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, एरिल हैलाइड या हेलो एरिन्स की, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, इसके बारे में डिटेल में तो हम आगे पढ़ाएंगे आपको, फिलहाल यहां समझिए कि जिस कार्बन से अगर यदि हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं उसको एरिल हैलाइड, ठीक है। बात समझ में आती है, अब देखिए किस तरीके से, और यहां पर जिस कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा है, देखिए ये वाला कार्बन, ये आपका sp2 संकृत मिलने वाला है। किस तरीके से, चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये देखिए यहां पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, एक ये कार्बन बेटा, एक ये, एक ये, एक ये, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर यहां पर डबल, एच को ऐड कर दीजिए, एक एच, एक एच आएगा क्योंकि वैलेंसी 2 और 1 3 2 और 1 3, एक वैलेंसी यहां पर एच आ जाएगा, 2 1 3, एक हाइड्रोजन आया तो 4 वैलेंसी, इसी तरीके से यहां पर भी 4। अगर आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर 1 सिग्मा ये रहा डबल बॉन्ड के अंदर, 1 सिग्मा ये रहा, टोटल 3 है, तो संकरण बेटा आपका sp2 होने वाला है। कौन संकरण होने वाला है आपका, sp2। तो ये आपकी किसकी पहचान है, एरिल हैलाइड की। एरिल हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु है वो सीधा जुड़ा होता है आपका बेंजीन रिंग से, जैसे इस तरीके से। तो ये हो गया आपका एरिल क्लोराइड, या आप इसका नाम बोल सकते हो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो ये तो आपका क्या था, हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण था, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आपको। चलिए अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हैं, वर्गीकरण खत्म हो चुका है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे
ठीक है, तो तभी आपको क्या होगा, पता लगेगा इनके बारे में। आपको इसको लिख लिख कर याद करना होगा, समझना पड़ेगा हर एक बेसिक टर्म्स को, ठीक है। फिर आप जब समझोगे, करोगे, गलतियां करोगे तो क्या होगा, तभी आपको पता लगेगा, ठीक। प्रयास करते रहो, प्रयास नहीं करोगे तो गलती नहीं होगी, क्योंकि गलतियां इस बात का सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हो, ठीक है बेटा। तो इसलिए अपना लगे रहो, एग्जाम नजदीक है आपके, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आती है, जो वो आती है आपकी सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंद, या बॉन्ड भी बोल सकते हो या खाली बंद भी बोल सकते हो, सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंद की प्रकृति, ठीक है। सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंद की, यानी कि जिस कार्बन से, यानी जब कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ जाता है, तो उस वक्त उस बंध की जो प्रकृति होती है वो किस तरह की होती है, ये हमें आपको बताना है, ठीक है। इस चीज को पढ़ने से पहले मैं आपको दो टर्म्स पढ़ाऊंगा जो आपकी इलेवेंथ में भी थी, जीओसी के अंदर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो वो चीज थी आपकी इलेक्ट्रोफाइल व न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसने ही व नाभिक इसने। तो चलिए पहले उसी पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, एक तो आपका कौन सा है बेटा, इलेक्ट्रॉन इसने, ठीक है, और नंबर दो है आपका नाभिक इसने। तो ये दो है आपके, एक इलेक्ट्रॉन इसने ही और एक आपका नाभिक इसने, यानी कि आपका इलेक्ट्रोफाइल और एक आपका न्यूक्लियोफाइल, ये दो है आपके पास, ठीक है। चलिए समझते हैं इनको, ये होता क्या है, ठीक है बेटा। यहां इलेक्ट्रो से मतलब है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और फाइल यानी इसने ही से मतलब है यहां पर लविंग से, यानी कि वे स्पीसीज, वे चीज, मतलब इलेक्ट्रॉन से ही वे चीज होती है, वे आपके आयंस कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से लव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह दर्शाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कैसा पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है आपका। अब ये बताओ कि जो नेगेटिव है उसके पास कौन जाएगा, उससे स्नेह कौन करेगा। भाई सिंपल सी बात है कि जो भी चीज जिन पर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज होगा, वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से क्या करने वाला है, स्नेह करने वाला है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो अपोजिट चार्ज के बीच ही क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, उसे लविंग कर रही है कोई चीज, तो जाहिर सी बात है उस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी कि तो वे स्पीसीज, वे जातियां जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन इसने ही कहते हैं। और पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये बात हुई कि उन पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की बेटा क्या है, अगर कमी है, तो दो डेफिनेशन हो गई कि वे चीज या वे तत्व, कुछ भी बोल सकते हो आप, जातियां जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो या जिन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इसने ही बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, नंबर एक तो बात क्या हुई कि इन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। नंबर दो, इनके पास क्या होगा, इनका जो ऑक्टेट है बेटा, ऑक्टेट यानी अष्टक, इनकम्प्लीट होगा, अपूर्ण होगा, क्योंकि क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो बेटा इनका अष्टक पूरा नहीं मिलेगा। तो वे सब चीज जिनका अष्टक पूरा नहीं होता, उन्हें हम किस चीज में गिनते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन स्नेह के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल AlCl3, ठीक है, BeH2, BCl3, ये सब आपके क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन स्नेह होते हैं, क्योंकि इनका अष्टक पूरा नहीं होता और इलेक्ट्रॉनों की इन पर क्या होती है, कमी। तो जो पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो और जिनका अष्टक पूरा नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेह। इसके विपरीत यहां पर बात आई न्यूक्लियोफाइल से, तो न्यूक्लियो का मतलब है यहां पर न्यूक्लियस से,
और फाइल का मतलब है यहां पर लविंग। अब न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? तो नॉर्मल सी बात है बेटा, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, यानी कि जिनके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। तो क्या पता लगा बेटा न्यूक्लियोफाइल के बारे में? तो न्यूक्लियोफाइल वे चीज होती है जिन पर नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? अधिकता हो, और साथ साथ इन पर क्या होते हैं बेटा? इन पर होते हैं लोन पेयर, यानी कि आपके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं इनके पास। क्या होते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इतनी बात समझ में आती है? लोन पेयर फॉर एग्जांपल, जैसे आपका NH3 H2O एमीन आदि, तो ये सब क्या है? इन पर लोन पेयर है, तो किस तरह काम करें? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, किसकी तरह काम करेंगे? आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाले हैं। तो जिन पर नेगेटिव चार्ज है, चाहे वो OH माइनस हो, Cl माइनस हो, Cn माइनस हो, तो ये सब आपके क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और उसके विपरीत H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, ठीक है, ये सब जो जिन पर पॉजिटिव चार्ज में मिलने वाला है, देखने वाला है, मिलने वाला, ठीक है, उन सबको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आती है? चलिए कोई बात नहीं, तो इतनी टर्म समझ में आई आपको? तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही का पता लग गया, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध युक्त यौगिकों की प्रकृति, यानी कि अब इनकी प्रकृति के बारे में समझते हैं। अब इसकी प्रकृति को समझने से पहले आपको जाना पड़ेगा आपके 11th के थर्ड चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर आपका था विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? कि साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, वो उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अब यहां पर समझिए आप इस तरीके से, ये एक हैलोजन परमाणु है एक्स, और आपको बता दूं कि पूरी आवर्त सारणी में ये 17 ग्रुप के एलिमेंट ही ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। इनमें से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, और उससे कम आयोडीन, ठीक है। अब क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता इस हैलोजन से क्या है? कम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा यहां पर? ये इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा अपनी तरफ? भाई नॉर्मल सी बात, रस्सी खींच रही है, रस्सा खींचते हैं ना, अब जो पावरफुल होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा उनको। तो हैलोजन की विद्युतात्मकता ज्यादा होने की वजह से हैलोजन जो है इन साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लेगा, और जब अपनी ओर खींच लेगा तो जिसकी वजह से इस पर तो आंशिक ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर माइनस चार्ज आता है, और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गए उस पर आंशिक धनात्मक आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? एक पर प्लस आवेश आ गया और एक पर माइनस आवेश आ गया। क्यों आया? क्योंकि इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में क्या था? अंतर था, और हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने की वजह से हैलोजन परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या कर लेता है? खींच लेता है, जिसकी वजह से हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणात्मक आवेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनात्मक आवेश आ जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आपको? तो अब क्या हुआ, तुम्हें एक बार बता दूं, दो तरह के यौगिक होते हैं, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय,
ठीक है, ध्रुवीय और अध्रुवीय, यानी कि पोलर और आपके नॉन पोलर, एक पोलर होते हैं एक नॉन पोलर होते हैं। तो अध्रुवीय वे यौगिक होते हैं जहां पर विद्युत ऋणात्मकता में कोई अंतर नहीं मिलता, जैसे H2Cl2, I2C2H6, ठीक है, जहां पर हमें विद्युत ऋणात्मकता में कोई अंतर नहीं मिलने वाला, तो वे कैसे होते हैं आपके अध्रुवीय होते हैं। और जहां भी दो चीजों के बीच विद्युत ऋणात्मकता में अंतर मिला, फॉर एग्जांपल HCl को देख लो, इसकी ज्यादा थी माइनस आया तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ऐसे यौगिक कैसे होते हैं बेटा, ध्रुवीय होते हैं। तो इसका मतलब, क्योंकि कार्बन के साथ भी तो क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन, और दोनों की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर है, तो इस वजह से इस बंध की जो प्रकृति होने वाली है वो होने वाली है ये पोलर नेचर का होने वाला है, पोलर नेचर का ये होने वाला है, यानी कि ये कैसे नेचर का होगा आपका, ध्रुवीय प्रकृति का होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अभी हमने आपको एक चीज बताई थी, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये बात तो आपको पता लग गई कि इसका नेचर कैसा होगा, ध्रुवीय क्यों होगा, ये बात हमने पूरी बताई आपको राम कथा भी। ठीक है, चलिए अब समझिए जरा, फॉर एग्जांपल मुझे ना रिएक्शन करानी थी, यहां पर एक मिथेन है तो मिथेन से यहां पर एच को रिमूव कर दिया मैंने, ब्रोमीन जोड़ दिया, और मुझे रिएक्शन करानी थी इसकी KOH से, जो कि AQ यानी एक्वस है। ठीक है, बात समझिए जरा ध्यान से, और मुझे पक्का पता है कि OH पे तो माइनस चार्ज होता है और पोटेशियम पर प्लस, क्योंकि एक मेटल है तो इस पर नॉर्मल सी बात है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा। अब यहां पर हेलोजन पे, भाई हेलोजन तो नेगेटिव वाला होगा और कार्बन पॉजिटिव वाला होगा, क्योंकि इनके बीच में विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उस पर चार्ज कौन सा आने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन वो खींच लेगा, बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये देखिए आप, जब यहां से ये नेगेटिव पार्ट जो है कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया, तो इस कार्बन पर कौन अटैक कर सकता है, के प्लस या OH नेगेटिव, तो हम कहेंगे भैया OH नेगेटिव। ऐसा क्यों कहा हमने, क्योंकि बेटा प्लस वाले के पास कौन जाता है, माइनस वाला। तो इस वजह से अभी एक बात नहीं पता लगी हमको कि हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड में जो कार्बन परमाणु होता है वो नाभिक स्नेही के आक्रमण का एक केंद्र होता है, यानी कि नाभिक स्नेही जो है एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु पर अटैक करता है। और इसी के आधार पर हम आपको दो तरह की रिएक्शंस पढ़ाएंगे, अभिक्रियाएं पढ़ाएंगे, जिसे हम बोलते हैं एक SN1 और एक SN2, अभी वो आगे आएगी। ठीक है, तो यहां पर OH माइनस इधर जुड़ जाएगा, अब कहने का मतलब क्या होगा, यहां से H जो ये जगह है Br को बाहर कर दिया, उसके यहां पर कौन जुड़ जाएगा, OH, और ये Br कहां जाएगा, भाई ये इसके माइनस है तो इसके लिए प्लस वाला भी तो छोड़ रखा है, तो क्या होगा यहां पर, ये KBr रह जाएगा। तो हैलोजन जो है वे ध्रुवीय यौगिक होते हैं, उनमें यानी कि सी सिंगल बॉन्ड एक्स की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय, और ध्रुवीय होने की वजह से जो एल्किल हैलाइड का कार्बन होता है वो न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण का एक मुख्य केंद्र होता है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है बेटा, इसलिए मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बताए थे। और OH माइनस किसकी तरह काम कर रहा है, एक नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बेटा इस पर चार्ज कौन सा है आपका, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। ठीक है, तो यहां तक बात हुई अभी सी सिंगल बॉन्ड एक्स आवंत की प्रकृति की। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बनाने की विधियां और बस बनाने की विधियां ही बताएंगे और नहीं बताएंगे।